दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि 1.35 बिलियन पॉपुलेशन वाली हमारी कंट्री और दुनिया के अच्छे रिसोर्सेज के साथ इंडिया कई फील्ड्स में आगे जा रहा है। तो ऐसा क्यों है कि ओलंपिक्स के मेडल में हर बार कमी रहती है? टोक्यो ओलंपिक्स में भी मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीता है, पर उसके बाद कई इवेंट्स में इंडिया का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। रिसेंट मैचेस में बैडमिंटन हो या टेबल टेनिस, इंडिया के पार्टिसिपेंट्स जैसे मनिका बात्रा और बी साई प्रणीत ने हार का सामना किया है। हालांकि बैडमिंटन में स्टार रहे पीवी सिंधु, बॉक्सिंग में पी रानी और आर्चरी में दीपिका कुमारी जैसे प्लेयर्स से उम्मीदें लगी हुई हैं। पर क्वेश्चन ये है कि इतने कम प्लेयर्स क्यों हैं जो ओलंपिक लेवल पर पहुंच पाते हैं और वहां अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि ओलंपिक्स में मेडल्स की संख्या कम होने का रीजन क्या है, और साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि इनकी संख्या को कैसे बढ़ाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों इंडिया ओलंपिक गेम्स में पहुंचता है, मेडल के कई कंटेंडर्स होते हैं, गेम्स में इंडियन कॉन्टिजेंट भी बहुत बड़ा होता है। इस बार टोक्यो 2020 में इंडिया के 127 पार्टिसिपेंट्स का कॉन्टिजेंट शामिल है, लेकिन मेडल्स पर हेड के मामले में वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट पॉपुलस नेशन बहुत खास ओलंपिक रिकॉर्ड नहीं रखता। पिछले 30 सालों में इंडिया ने केवल एक गोल्ड जीता है, ये गोल्ड 10 मीटर मेंस राइफल में 2008 में मिला था। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इतना बड़ा देश होने पर हमारे पास इतने कम मेडलिस्ट क्यों हैं। ये बात शुरू करने से पहले ये नोट किया जाना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंडियन प्लेयर्स के पास स्किल सेट की कमी है। दोस्तों इंडिया में क्रिकेट और हॉकी की टीम्स और यहाँ तक कि फुटबॉल की टीम का प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा रहता है। क्रिकेट और हॉकी तो दुनिया की फाइनेस्ट टीम्स में गिनी जाती हैं, लेकिन इसके अलावा कई स्पोर्ट्स हैं जहाँ इंडिया को फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया का अंडर परफॉर्मेंस यूँ तो सैकड़ों बातों पर निर्भर है, पर कुछ मेजर इश्यूज़ हैं जिन पर काम इंस्टेंटली शुरू हो तो बेहतर है। इन इश्यूज़ में सुपरस्टिशियस बिलीव्स, पॉवर्टी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ रिकॉग्निशन इन स्पोर्ट्स, इसका सीधा उदाहरण ये है कि क्रिकेट के अलावा हम किसी और स्पोर्ट्स पर फोकस नहीं करते और ना ही उसे देखना पसंद करते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी यानी वेमेन टीम्स को प्रोत्साहन देने के बजाय स्टीरियोटाइपिंग करना एक्सेट्रा शामिल है। इसके अलावा स्पोर्ट्स सेगमेंट में करप्शन भी एक मेजर मुद्दा है। तो इस सुपरस्टिशियस बिलीफ को आप भी अपने आसपास देखते होंगे कि जब कोई पेरेंट अपने बच्चे से ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स प्रायोरिटी नहीं है, उसमें पैसा नहीं है, लाइफ सेटल करने के लिए जॉब करना ज़रूरी है एक्सेट्रा, स्पोर्ट्स से ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, ऐसा कहना इंडिया में कॉमन है। हालांकि अगर गवर्नमेंट रिकॉग्निशन और बूस्ट लगातार मिलता रहे, लाइफ लॉन्ग पॉलिसीज हो और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हो तो शायद ये बिलीव्स खत्म हो जाएं। इसके अलावा गरीबी एक बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। पॉवर्टी इसलिए सीवियर है क्योंकि कई स्पोर्ट्स में एक फ्री माइंडसेट से फोकस करना जरूरी होता है, पर यदि प्रॉस्पेरिटी की कमी है या लाइवलीहुड की प्रॉब्लम्स कंसिस्टेंटली बनी हुई हैं तो स्पोर्ट्स प्राइमरी फोकस नहीं बन सकता। ओलंपिक लेवल की तैयारी के लिए चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, पर इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेटली मौजूद नहीं है। दोस्तों स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में केवल बिल्डिंग्स नहीं आती, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स पर्सन प्रोड्यूस कर सकने की क्षमता। स्कूल एंड कॉलेज स्पोर्ट्स को एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा मानने में अभी भी पेरेंट्स और टीचर्स को दिक्कत होती है। फिजिकल एजुकेशन क्लासेस अननेसेसरी मानी जाती हैं। इसके अलावा सभी मेजर इंडियन स्पोर्ट्स में भारी करप्शन के कारण इट प्लॉजेस एवरीथिंग। क्रिकेट हो, हॉकी हो, एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग एक्सेट्रा में करप्शन की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। यहाँ तक कि कोई रीजनल या ग्लोबल इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तब भी करप्शन किया जाता है। दोस्तों 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैंडल तो आपने सुना ही होगा। कुछ ऐसे गेम्स भी हैं जिसमें इंडिया बुरी तरह फेल हुआ है। साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीनाथ ने बैडमिंटन ट्रायल्स में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाए। जिम्नास्टिक्स में रियो ओलंपिक्स में दीपा कर्माकर के चौथे स्थान पर आने के 5 साल बाद भी कोई स्ट्रॉन्ग कंटेंडर तैयार नहीं हो पाया है। दीपा के अलावा प्रणति नायक भी टोक्यो ओलंपिक में उम्मीद थी, पर वो भी बाहर हो चुकी हैं। इस स्पोर्ट में एक अच्छा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है और इंडिया के पास वो मौजूद नहीं है। दोस्तों इंडिया ताइक्वांडो में भी सॉरी स्टेट में है। यहाँ तक कि इंडिया अपने ताइक्वांडो प्लेयर को भी ओलंपिक्स में नहीं भेज पाया। हालांकि इंडिया के अरुणा तनवर टोक्यो पैरोलंपिक्स में ताइक्वांडो में कम्पीट करने वाली हैं। इसके अलावा लैक ऑफ मनी, फाइनेंसिस और फंडिंग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। विंटर ओलंपियन शिवा केशवन बीबीसी को बताते हैं कि इंडिया भले ही स्पेस प्रोग्राम में आगे हो और बिलियनरीज की बड़ी पॉपुलेशन रखता हो,
पर इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम इंडिया आज भी गरीब देश है। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स गवर्नमेंट की प्रायोरिटी कभी नहीं रहा है। दोस्तों केशवन को लैक ऑफ फंडिंग के कारण डेंजरस ट्रेनिंग रेजीम अडॉप्ट करना पड़ा था। उन्होंने बीबीसी को बताया कि प्रैक्टिस के लिए उन्हें हिमालयन रूट्स पर जाना पड़ा था और 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड के लिए कार्स और लॉरीज को डेंजरसली ओवरटेक करना होता था। केशवन ने कहा कि एक पॉइंट तो ऐसा था जब वो अपना करियर पैसों की कमी के कारण सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों ये एक कंसर्निंग और सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा क्या किया जाए जिससे स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट इंडिया में इंप्रूव हो सके। दोस्तों इस टैली को इम्प्रूव करने के जो भी तरीके हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना, स्ट्रिक्टली और पैशनेटली फॉलो करना और पॉलिसीज को इवॉल्व करना सबसे ज़रूरी है। पॉलिसीज बना लेने से बूस्ट नहीं मिल सकता, पॉलिसी हर व्यक्ति तक पहुंचाने से और उनका स्ट्रांग इम्प्लीमेंटेशन हो यह इंश्योर करने के बाद ही बदलाव लाया जा सकता है। फाइनेंसिस की बात करें तो पिछले 5 सालों में स्पोर्ट्स बजट बढ़ाया गया है। 2016 से 17 में जो बजट ₹1400 करोड़ था, 2019 से 20 में वो 2826 करोड़ अलॉट हुआ है। हालांकि फिर पैंडेमिक के कारण बजट 2021 से 22 में केवल 2500 करोड़ ही रहा है। 2016 में जो 48 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी NSFS थे वो अब 58 हैं। हर स्पोर्ट्स की एक फेडरेशन होती है जो स्पोर्ट्स पर्सन्स और क्वालिटी डिटरमाइन करती है। इन फेडरेशन के साथ डोमेस्टिक और ग्लोबल इवेंट्स किए जाते हैं और क्योंकि ओलंपिक एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट है, फेडरेशन के ना होने से एक बैरियर बन जाता है और स्पोर्ट्स पर्सन्स को रिकॉग्निशन नहीं मिलती। 2016 के रियो ओलंपिक्स के बाद शूटिंग का ओवरहॉलिंग हुआ है। 2016 के बाद नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI को काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। इसके चलते NRAI ने फॉलआउट्स को एनालाइज करने के लिए एक 4 लोगों की कमिटी बनाई। इस कमिटी ने रियो ओलंपिक्स में अंडर परफॉर्मेंस के रीजन ढूंढना रिलेंटलेसली शुरू किए। अब स्थिति काफ़ी सुधरी है और इंडियन शूटर्स ग्लोबल रैंकर्स हैं। हम शूटिंग में वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। दोस्तों गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे खेलो इंडिया प्रोग्राम स्पोर्ट्स के पीछे की साइंसेस पर भी फोकस करते हैं। 2014 में इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम डेडिकेटली ओलंपिक्स के लिए तैयार किया गया था। टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम यानी टॉप्स को पिछले 5 सालों में मेजर सक्सेस मिली है और 126 एथलीट्स और टीम्स इसका हिस्सा हैं। इसमें से कई ऑलरेडी टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करके पहुंचे हैं, जैसे आर्चरी, बॉक्सिंग, रेसलिंग, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, हॉकी एंड पैरा स्पोर्ट्स। तो उसके अलावा दोस्तों इंडिया को रोल मॉडल्स की बहुत ज़रूरत है। हमें स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा रोल मॉडल्स प्रोड्यूस करने चाहिए जो एक परपेचुअल सर्किल को शुरू करेंगे। रोल मॉडल्स होंगे तो इंस्पिरेशन होगी और इंस्पिरेशन अच्छे स्पोर्ट्समैन प्रोड्यूस करेगी जो आगे खुद रोल मॉडल्स बन पाएंगे। हमें स्पोर्ट्स में एक कल्चरल रिवॉल्यूशन चाहिए। दोस्तों इसके अलावा आपके हिसाब से ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो इंडिया के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं और अभी के टाइम इंडिया उसमें लैग कर रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।